जय जिनेंद्र, मेरा नाम जया जैन है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, इजी एंड क्विक रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो हाईली न्यूट्रिटिव और हेल्दी रेसिपी है। इस रेसिपी का नाम है ग्रीन स्टफ डोसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी बिग थैंक यू टू सर्वेशा ग्रुप फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, स्पॉन्सर्ड बाय धनश्री फर्नीचर एंड जेएस इंडस्ट्रीज। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं साबुत हरे मूंग से डोसे। उसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी साबुत हरा मूंग और आधा कटोरी चावल। इन्हें हम अच्छे से 2-3 बार धो के पानी में से भिगा देंगे। इसे हमें 6 से 7 घंटे के लिए भिगाना है। मैंने पहले से भिगा के रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये फूल के डबल हो गया है। अब हम इसे मिक्सर में डाल के एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। उसमें ये मूंग और चावल का मिक्सचर, 1 कटोरी हरा धनिया, थोड़ा करी पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा नमक और आधा कटोरी दही लेंगे। दाल और चावल का मिक्सचर मिक्सर में डाल देंगे। बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है सब इसमें मिक्स कर देंगे। आज हमने हरा मूंग लिया है, जो हाईली न्यूट्रिटिव प्रोटीन से भरपूर होता है। ये देखिए, अब ये फाइन पेस्ट बन चुका है। आपको इसे ना ज्यादा पतला रखना है ना ज्यादा, ये बैटर तैयार है। अब हम पहले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने फाइनली चॉप्ड पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, उबले हुए स्वीट कॉर्न है, उबले हुए मटर, हरा धनिया, ग्रेटेड पनीर, अनारदाना, थोड़ा सा गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा, नमक और फ्राई के लिए थोड़ा सा तेल। स्टार्ट करते हैं। पैन में सबसे पहले 2 चम्मच तेल रखेंगे। अब आप इसमें 1/2 स्पून जीरा डालिए। जीरा टटकने लग गया है। अब इसमें हम प्याज, शिमला मिर्च, हमें सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, इनका क्रंची भी रहना चाहिए। फिर हल्के से 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ इनको फ्राई करना है, जैसे कच्चापन निकल जाए। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। खासकर के बच्चों को दाल और सब्जियां खिलाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद है, आप भी ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी और कलरफुल रेसिपी। 2 से 3 मिनट हो गए, अब इसे हम बंद कर देंगे। और ये उबले हुए मटर, स्वीट कॉर्न, इन सबको ऐड कर दीजिए और हरा धनिया। दिखने में बहुत यम्मी दिख रही है। अब इसमें पनीर, ग्रेटेड पनीर है, ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम डोसा बनाएंगे। तवे को थोड़ा ठंडा कर देंगे, अभी गर्म हो चुका है। डोसा बैटर से
धीरे धीरे स्प्रेड करना है, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसमें मूंग है। और इसे धीरे धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दें। ये देखिए ये अपने आप ही ऊपर आने लगा है, तो एक बार पीछे पलट देंगे। ये पीछे से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, हल्का सा गैस तेज कीजिए। एक मिनट और कर सकते हैं। हमारा क्रिस्पी मूंग का डोसा तैयार है, बस ये स्टफिंग इसमें रखिए। हेल्दी कलरफुल प्लेट लाऊं मैं, ये डोसा रेडी है, अब प्लेटिंग करते हैं। मैंने ये स्टफ ग्रीन डोसा नारियल की चटनी टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे इमली की चटनी और ऐसे भी खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल लेस ऑयल में बनी हुई रेसिपी, हाईली प्रोटीनिशियस और हेल्दी रेसिपी है। आप इसे डायबिटिक पेशेंट्स और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टफ ग्रीन डोसा रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आए तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।